अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? स्पिनर, क्योंकि ज़्यादातर एंगलर्स हमारे साथी है, दोस्त है, उनके पास ब्लू फॉक्स का स्पिनर है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। जैसे कि हमने इसमें आकर्षक करने के लिए हमने क्या लगाया है वो भी बता दें आपको, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोगों के पास फ्रॉग होगा। फ्रॉग का ये जो रबड़ वाला हिस्सा है ये काफ़ी लंबा होता है। इसको थोड़ा सा काट दें, लगभग 1 अंगुल के आसपास छोड़ के, बाकी का फ्रॉग काट के आप स्पिनर में लगा सकते हैं, हुक के पास बांध दें। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो स्पिनर का जो ये वायर है काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, तो ये वायर हम चेंज करेंगे। तो मेरे पास वायर भी है, प्लास भी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लायर भी है, तो ये दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। वायर के लिए पिछली वीडियो में हमने बताया था, रिपेयर की जो हमने वीडियो डाली थी रियल रिपेयर की, उसमें हमने बताया था कि वायर आपसे आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा स्पिनर रहा, तो सबसे पहले इसे हम खोल लेते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे सेटअप होगा। दोस्तों हमने सारी चीज़ें खोल दी है, यहाँ से वायर काट के स्पिनर पे ये लगा था जो कि घूमता है यहीं से। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सेफ़ रखनी होगी, एक एक पार्ट्स बहुत छोटे छोटे सामान हैं, तो ये सारी चीज़ें सेफ रखनी होगी। तो हमने सारा स्पिनर को काट के अलग रख दिया है, सारे पार्ट्स। ये आगे का हुक है और ये है, ये मेरा स्पिनर काफ़ी पुराना है। इसको वजन आप बढ़ा सकते हैं, लोकल मार्केट आपके वहाँ हो सकता है, मार्केट में या टेकल शॉप पे एक वेट मिलता है, उसको काट के लगा सकते हैं यहाँ पे ये वेट। और यहाँ से अब हमें निकालना होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको क्लास से थोड़ा सीधा करेंगे, ये इजीली हो गया। हमने इसको भी निकाल दिया, ये हमारा हुक है, ट्रिपल हुक। आप हुक भी चेंज कर सकते हैं कभी ज़रूरत पड़ी तो। ये हमने जैसा कि हमने बताया फ्रॉक का ये लगाया है रबड़, तो हमने इसका जो वायर मंगाया था हमने उसको सीधा कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डाल दिया वायर और यहाँ से हल्का उंगली से कर दिया एल, ये एल हो गया है। और इसको प्लायर से लेके एक बार कस के दबा देना है, ये और हमने इसे दबा दिया है इस वायर में। और हम सबसे पहले यही वेट डालेंगे इसमें, वायर थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने वेट भी अटका दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान नहीं देंगे एक एक स्टेप तो मज़ा नहीं आएगा। उल्टा डाल दिया हमने, ओ यार नो, ये सारी चीजें हैं। हमने इस पे इसको भी लगा दिया है, लग रहा है वायर यहां से कट करना पड़ेगा। यहां पे वायर नहीं जाएगा तो हम यहां पे इसको और थोड़ा सा नीचे करके बराबर दबा दें प्लायर से। और ध्यान रखें दोस्तों हाथ में ना लगे, तो इसे थोड़ा हम यहाँ पे और दबाएंगे एक बार हुक से, हुक के पास जो हमने बैंड किया है उसे दबा दें एक बार और, कि जितना वो आप दबा देंगे उस वायर को उतना इजिली नीचे चला जाएगा। ये हो गया और हम इसे करना चाहेंगे बैंड, ये जो कटा हुआ सिरा है नीचे का उसे हम यहाँ से बैंड करेंगे हाथ की मदद से थोड़ा सा प्लायर। ध्यान रहे दोस्तों हाथ में न लगे, क्योंकि हम यहीं पे पकड़ते हैं तो हाथ में लगने के चांस है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे इधर घुमा के और इसे ऐसे दबाएंगे, तो 20+ की जरूरत मुझे लग पड़ रही है। तो इसे हमने दबा दिया है, अब यहाँ पे हम वेट डाल के देखते हैं इस पर।
हिट डालेंगे तो मेरे हिसाब से चला जाएगा इसके अंदर। ये एल आप कर देंगे तो यहां से ये निकलेगा नहीं, इस टाइप का एल करना है आपको, हुक फंसा के इसमें वेट में आपको एल करना है। अब यहां से हम इसको काट दें, जितना हो सके उतना आप एल कर दें कोशिश करके। यहां से कस से रोकने की कोशिश करें क्योंकि ये थोड़ा सा हुक है तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए दोस्तों। कट भी नहीं रहा है, बहुत मजबूत वायर दे दिया है कुवैत भाई ने। कुवैत भाई का नंबर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, अगर रिपेयर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वो ले सकते हैं, वीडियो भी डाल देंगे। तो इसे हम काट रहे हैं, काफी मजबूत वायर दिया है उन्होंने। वीडियो रिपेयर वाली डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक, उसका आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं वीडियो। बाप रे काफी मजबूत दे दिया है वायर। थोड़ा सा हम चाहते हैं वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा रोक दें, वायर काटे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर हम डालते हैं आगे और शुरू। दोस्तों ये कट गया है और हमने यहाँ पे एल कर दिया है, शायद आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये हमने डाल के और इधर घुमा के एल कर दिया है। तो ये हमारा पड़ गया है वायर में, तो इसके ऊपर हम ये डालेंगे। वेट को भी सेट कर लें एक बार। आप देखिए ये इसके अंदर नहीं फिट हो रहा है, ये वायर की जो कटा हुआ टुकड़ा है आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वजह से नहीं फिट हो रहा है इस पर। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और एल ही रहेगा, सीधा नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं काट के। और तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको अंदर की साइड में एल कर दिया है, ये आप देख सकते हैं इस पर ऊपर को हमने बाइंड कर दिया क्योंकि जैसा कि हम बाहर निकाल रहे थे तो ये वेट जब डालते हैं तो ये नहीं सेट हो रहा था। ठीक है तो फिर हम दोबारा इसको डालेंगे और इंशाल्लाह आपकी इस बार ये आ जाएगा। ये देखिए और हमने एल भी कर दिया है क्योंकि एल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों तो हम इसको इसमें हम थोड़ा सा मेरे पास एक वेट पड़ा था थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए, इसमें हमने एक वेट डाल दिया है, ऐसा हो गया मेरा स्पिनर। अब इसके ऊपर हम ये बड़ा वाला वेट डालेंगे जो स्पिनर में लगा हुआ था, ये छोटा सा आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे, उसके बाद एक और छोटा है वो भी डालेंगे। ये हुक में आराम से यहाँ पे चला गया, उसके बाद एक ये डालेंगे, इसको भी हाथ पे रख के दिखा दें। ये आप जब खोलेंगे तो इसको बहुत ही आराम से रखना है ताकि ये खो ना जाए कहीं, क्योंकि ये सारी चीजें फिर आपको मिलने वाली नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमारा होगा स्पिन, ये जो हमारी पत्ती जो होती है ये होगा, और एक छोटा सा वेट ये है, बहुत ही छोटा सा है, ये हाथ पे दिख रहा होगा आपको। इसको इसमें ऐसे सेट करना है, फिर इसमें डालना है वायर, इसको इस वाले में ऐसे पकड़ के जैसे आपने निकाला था वैसे इसको इसे फंसा देना है। तो इसमें अब हम डाल लेते हैं वायर। स्पिनर काफी लंबा है इसलिए इधर उधर फंस रहा है, हम ये नहीं सो रहे कि थोड़ा सा तार वेस्ट हो मेरा, थोड़ा लंबा ही कर दिया है। ये हो गया मेरा स्पिनर, लेकिन हमने पत्ती उल्टी डाल दी है, उसको एक बार सीधा करके डालेंगे। और फिर हमने एक बार पत्ती डाल दी है, इंस्टॉल करने के बाद ये स्पिनर ऐसा कुछ दिख रहा है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से वजन भी बढ़ गया इसमें। ब्लैक कलर का हमने ये डाला है, ये सारी चीजें तो इसी के साथ थी। तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा लंबा लेके ये हुआ, यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर स्पिनर जितने लग रहा है कि आपको यूज करने लायक है, जैसे कि पिछली स्पिनर को भी आप ध्यान से देखें लग रहा है आपको यूज करने वाला है, तो वहां से थोड़ा सा इतना स्पेस थोड़ा सा छोड़ के फिर आपको यहां से नोक के पास लेना है
ऐसे बहुत आगे वाली नोक की, ताकि इसमें हमारा सीवेल्स या लाइन फंस जाए इस जगह पे। शाम हो रही है दोस्तों, वजह से थोड़ा सा हो सकता है अंधियाला आपको दिख रहा हो, लेकिन ट्राई करेंगे। ये हमारा फंस भी गया है यहाँ पे, और हमने इसको ये ले आया है ऐसा ऐसा ले के आए हैं, और फिर हम यहाँ से एक दो राउंड घुमा देंगे, क्योंकि वायर लंबा है तो इजीली घूम रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हुक आपका हाथ में ना लगे। दो राउंड हमने घुमा दिया है इसे, हम चाहते हैं एक राउंड और घुमा दें इसको, ताकि ये कभी बाई चांस बड़ी फिश लगी तो इजीली वो निकल आए। ये होगा सारी चीजें, घुमा दिया है इसको यहां से वायर, ये प्लायर डाल के हमने उसमें सीवेल्स डालने के लिए हमने इसको बनाया है, हुक सारी चीजें सेम हो गई हैं, ये भी काम कर रहा है। एक बार आपको इसको बिना काटे आपको दिखा दे, ये होगा ऐसा स्पिनर, ये मेरा काफी पुराना स्पिनर है ब्लू फॉक्स का, तो ये भी मोटिवेट हो चुका है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट होगा इसका, क्योंकि ज्यादा चेंजिंग हमने नहीं किया है। आप ये वेट ना डाल के नहीं भी डालना चाहते हैं तो ना डालें, ये सारी चीजें सेम रहने दें, ये आप कर सकते हैं। इसको करने का मकसद काफी अच्छा है, रिजल्ट भी इसका। तो ये चीजें थी, आप इसको इजिली फ्रॉक से निकाल के लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइन किसी भी लाइन से आपको बांध देंगे तो चल जाएगा। और इसमें ये खासियत ये है, कोई और चीज अगर पर वगैरह किसी का बांधते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा पानी सोखे और सूखे ना जल्दी। लोअर बॉक्स में हम ऐसा रख देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे सारे लूर खराब होने के वो हैं, इस वजह से इसमें पानी नहीं सोखेगा फ्रॉक का जो ये होगा, तो इसमें पानी नहीं लगेगा जरा सा भी। तो दोस्तों तो हम आपसे कोशिश करते हैं, अब यहीं से वीडियो खत्म करते हैं इसको काट के, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। शुक्रिया दोस्तों।